वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। और हम लोग आज EVS पढ़ेंगे। EVS में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर थ्री आवर सेंस ऑर्गन। ठीक है, हम लोग इसको फर्स्ट पेज पढ़ चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट इसका पेज पढ़ेंगे, पेज नंबर 14। आप लोग उसको ओपन करिए, पेज नंबर 14 में देखिए। पेज नंबर 14 में दीज फाइव सेंस ऑर्गन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये पांच सेंस ऑर्गन जो संवेदी अंग है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। दे आर लाइक आवर बेस्ट फ्रेंड। ये हमारे बेस्ट फ्रेंड का मीन्स होगा यहाँ पे बहुत अच्छा दोस्त है ना, जो सबसे खास दोस्त, ये हमारे जो है सबसे अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ देम। हमें हमेशा इनका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फैक्ट टू नो है ना, प्लांट्स एंड ट्री ऑल्सो हैव स्किन। मतलब पौधों और पेड़ों के पास भी स्किन होती है, यानी त्वचा होती है। इट इज़ कॉल्ड बकल। ठीक है, इसको बकले कहते हैं। ओके, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन। हम लोग अपने सेंस ऑर्गन संवेदी अंगों का ध्यान कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। चलिए हम लोग उसको रीड करते हैं। वी शुड टेक बाथ एवरी डे टू कीप आवर स्किन क्लीन। ठीक है, हमें अपनी त्वचा को साफ रखना चाहिए और रोज़ सुबह नहाना चाहिए, है ना, जिससे कि हम अपनी त्वचा को साफ रख सकते। वी शुड टेक बाथ, मतलब हमें रोज़ नहाना चाहिए, और एवरी डे टू कीप आवर स्किन क्लीन, अपनी त्वचा को साफ रखने के लिए। ठीक है, वी शुड वॉश आवर आइज विथ क्लीन एंड कोल्ड वाटर। हमें अपनी आंखों को साफ करना चाहिए, ठंडे पानी से धोना चाहिए। ठीक है, ठंडे पानी से धो करके अपनी आंखों को साफ करना चाहिए। वी शुड नेवर रीड इन डिम लाइट। हमें कभी भी धीमी रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। वी शुड अवॉइड लिसनिंग म्यूजिक एट हाई वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम मीन्स होगा यहाँ पे बहुत तेज़ आवाज़ में। ठीक है, हमें बहुत तेज़ आवाज़ में संगीत सुनने से बचना चाहिए। ठीक है, मतलब बचना चाहिए। ओके, वी शुड नेवर पुट शार्प ऑब्जेक्ट इन आवर ईयर्स एंड नोज। मतलब नाक और कान में हमें कभी भी जो अपने कान और नाक में नुकीली चीज़ों को नहीं डालना चाहिए। वी शुड ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरी डे। हमें हर दिन जो है हरी सब्जियों को और फलों को खाना चाहिए। ठीक है, फलों को और सब्जियों को खाना चाहिए। तो ये जो है कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जिससे हम अपने संवेदी अंगों यानी कि सेंस ऑर्गन्स को हम लोग साफ तरीके से, स्वच्छ तरीके से इनका देखभाल करके रख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे नीचे देखिए, यहाँ पे है पॉइंट ऑफ रिमेंबर कुछ दिए हुए हैं, इसको आपको लर्न करना है। ओके, फर्स्ट है, वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन्स, दे आर आइज ईयर्स नोज टंग एंड स्किन। हमारे पास पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, पांच इंद्रियां हैं या सेंस ऑर्गन है, संवेदी अंग हैं जो हैं, ये देखिए, ये हैं आँख, ना आँख, फिर ईयर्स मीन्स कान, नाक, जीभ और स्किन यानी कि त्वचा। ठीक है, वी सी विथ आवर आइज, हेयर विथ आवर ईयर्स, स्मेल विथ आवर नोज, टेस्ट एंड लिक विथ आवर टंग, एंड फील हॉट अ कोल्ड विथ आवर स्किन। ठीक है, हम जो है अपनी आँखों से देखते हैं, अपने कानों से सुनते हैं, और अपनी नाक से सूंघते हैं। ठीक है, और सूंघते हैं, और जीभ से अपने हम लोग टेस्ट स्वाद लेते हैं। लाइक जैसे लिक विथ आवर टंग, जीभ से अपने चाट, क्या नाम है, स्वाद लेते हैं और उसे चाटते हैं, और हमारे चाट कर भी लोग जो है, मतलब लिक करके भी हम लोग टेस्ट लेते हैं ना, तो ये किससे होता है, टंग से होता है यानी जीभ से होता है। और जो हमारी स्किन होती है हमें ठंडे और गर्म चीज़ों का फील कराती है, अनुभव कराती है। ओके, आवर टंग इज़ इनसाइड आवर माउथ। हमारी जीभ जो है हमारे मुंह के अंदर है। ठीक, आवर स्किन कवर ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारी त्वचा हमारे शरीर को लगभग सभी अंगों को सभी हिस्सों को कवर करती है ना। द स्किन ऑफ प्लांट एंड ट्री इज़ कॉल्ड बकली। ठीक है, जो स्किन का और जो प्लांट के स्किन होते हैं और ट्री के स्किन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बकली। ओके, तो हम लोग ने आज इसको इतना पढ़ा है, सब लोग इसको आप लोग रीड करेंगे, और ये जो फाइव पॉइंट जो दिए हुए हैं रिमेंबर वाले, इसको आप अपनी कॉपी में राइट करेंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग कल से इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय एंड टेक केयर।